कि भारत सरकार ने हर प्रकार के डीजल जनरेटर का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बैन कर दिया है और वो नियम आज से लागू होता है। हाय ऑल ऑफ यू। तो आज फाइनली हमारे दोस्त हैं अभिनव भारद्वाज। ये हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं और फेसबुक पे फॉलो करते हैं। कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे इनका एक मेरे को डायरेक्ट मैसेज आया डीएम, और इन्होंने बोला कि आपसे आपका पॉडकास्ट हम यूट्यूब पे रेगुलर सुनते हैं और हमें अच्छा लगता है और इंस्पायरिंग लगता है। तो हम अपने बिजनेस के बारे में कुछ आपसे ओपिनियन लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं। तो मैंने उनको बस एक लाइन लिखा कि आप अपना सवाल फ्रेम करके प्लीज़ हमें मैसेज कर दें या मेल कर दें। तो अभिनव ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लिंक्डइन के थ्रू भेजा है। वो पहले एक रेफरेंस के लिए मैं पढ़ देता हूँ सबके लिए। अभिनव लिखते हैं कि I am a 23 year old. So it was all started in early 2020 when PUBG was at its peak. So we launched the product along with my childhood friends, Gaming Finger Sleeves, through our website. और उन्होंने अपने वेबसाइट का एड्रेस दिया है gamingfingersleeves.com. Basically, it's a cloth to wear a thumb while playing PUBG to avoid sweating. It was a huge hit. We got lots of orders all over India. Then pandemic came and shipping services went down. It was really demotivating. And after that, PUBG got banned. We are even demotivated now. So the question is, should we drop our idea of finger sleeves or wait for unban of PUBG? But even after all these, we are launching a new digital product very soon. Need assistance on that too. तो बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग सवाल। और सबसे पहले तो मैं अभिनव को तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा कि इतनी कम उम्र में उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर सपना देखने की हिम्मत जुटाई और दोस्तों के साथ मिल करके एक आइडिया को कंसीव करके उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने की हिम्मत जुटाई और एक सफलतापूर्वक उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की कोशिश करी, जो कि उनके हिसाब से उन्होंने अच्छे से किया। और एक ये एक मिलेनियल जनरेशन के लिए एक बड़ा यूनिक प्रोडक्ट था। अब अभिनव मेरे दोस्त, जो आप डीमोटिवेट हो रहे हो कि किसी कारण से आपके प्रोडक्ट को बेचने में दिक्कत आ रही है क्योंकि सरकार ने बैन लगा दिया है, तो एक काम करता हूं कि मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूं ये बताने के लिए कि कैसे फेलियर, जैसे मैं ये हमेशा बोलता रहता हूं कि सक्सेस की कोई श्योरिटी नहीं है, फेलियर की श्योरिटी पक्का है। तो कुछ ऐसे बहुत सक्सेसफुल लोग जिनको आज हम आइडियलाइज करते हैं, वो एक जमाने में कैसे फेल हुए और कैसे बाउंस बैक किए। तो एक मेरे बहुत फेवरेट एंटरप्रेन्योर हैं, उनका नाम है सुनील मित्तल। उनकी कंपनी का नाम है एयरटेल। हो सकता है कि आप भी उसका सिम कार्ड या ब्रॉडबैंड या कोई भी प्रोडक्ट यूज करते होंगे। तो एक टाइम था सुनील मित्तल जनरेटर बनाया करते थे, डीजल जनरेटर। ये जब वो एकदम यंग हुआ करते थे लुधियाना में। तो एक दिन, ये सुनील मित्तल के एक इंटरव्यू में ही मैंने सुना था, वो बताते हैं कि एक दिन जब वो सुबेरे सो के उठे, उस समय राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, और जब वो सुबेरे सो के उठते हैं और अखबार खोलते हैं तो उनको एक हेडलाइन पढ़ने में आती है जो ये कहती है कि भारत सरकार ने हर प्रकार के डीजल जनरेटर का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बैन कर दिया है और वो नियम आज से लागू होता है। तो सुनील मित्तल कहते हैं कि उस दिन मुझे ये पता चला
कि आज मैं जॉबलेस हो चुका हूँ। तो उस समय उनका 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस चल रहा था डीजल जनरेटर का। तो ये वो दिन था, और आज के सुनील मित्तल को हम जानते हैं जो एयरटेल चला रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज बोलते हैं इसको, कि एक रास्ता जब आपका रुकता है तो आपको मौका मिलता है और नए रास्ते तलाशने का और नए जरिए बनाने का। और जैसे कि इतनी कम उम्र में आपने जो ये यूनिक बिजनेस आइडिया सोची है, तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर ये विश्वास करना चाहिए कि आप एक क्रिएटिव माइंडसेट के इंसान हैं, और प्रोडक्ट को लेकर के इमोशनल ना होइए, आप अपने थॉट प्रोसेस को लेकर वफादार बने रहिए। कि अगर आप सोचते रहेंगे तो डेफिनेटली वही दिमाग, वही जज्बा आपका आपको उससे बेहतर कोई वर्केबल आइडिया ला के देगा। और हमेशा याद रखिए, अभी उम्र बहुत कम है आपकी, अभी से लेके जब तक आप इस धरती पे जीवित रहेंगे, आप किसी भी इनोवेटिव बिजनेसमैन के बारे में पढ़ लीजिए, किसी भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लीजिए, किसी भी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ लीजिए, और इस चीज़ के लिए मेंटली रेडी हो जाइए। 99% आइडिया फेल होती है, और वही 99% आइडिया इवॉल्व होके सक्सेसफुल आइडिया में कन्वर्ट होती है। तो इवोल्यूशन का प्रोसेस तो तभी आएगा मेरे भाई जब तक कि आपकी आइडिया फेल होगी। तो अपने जज्बे को बनाए रखिए और अगली आइडिया पे काम करना शुरू कर दीजिए। और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, भगवान से प्रार्थना है कि बहुत जल्दी ही आप एक दूसरी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करेंगे अपने नए बिजनेस आइडिया को लॉन्च करने वाली। आपको आपके बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिनव। लव यू अ लॉट। बाय। थैंक्स फॉर आस्किंग।